थाम लिया है। ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा। उन्होंने जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के स्वागत पार्टी की सदस्यता ली है। उनके साथ लादूराम गुर्जर, मनमोहन चौधरी, विजेंद्र बसवाना, भीम सिंह गौड़, तेजराम चौधरी, श्रवण चौधरी, अमृता राम, आदुराम मेघा ने भी बीजेपी ज्वाइन की। दरअसल विधानसभा चुनाव में हुई टिकट की दावेदारी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नाराजगी चल रही थी। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा समेत कई नेता मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया को संबोधित करते हुए सातों विधानसभा सीट पर कमल खिलने का दावा किया। राज्य सरकार का बजट और राज्य सरकार ने इन 10 महीनों में जो कुछ भी इस क्षेत्र के विकास के लिए किया, ये सब चीजें जनता के सामने अपने लेकर हो जा रहा है। इसके साथ ही हमारी कार्य योजना है आगे की, हम ये करेंगे। ये तो ये मुख्य रूप से ही है। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को समृद्ध करने में जो अपने योगदान दिया, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, आम नागरिक ये सोचता है कि हमारे सम्मान में वृद्धि कैसे हो सकती है, हम दुनिया में अपना माथा ऊंचा करके किस प्रकार से चल सकते हैं, तो उस पार्टी को ताकत देना चाहिए। तीसरा, एक सबसे बड़ा बात वो मुद्दा ये होता है कि जब राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर आम नागरिक ये सोचता है कि हमें विकास चाहिए, तो विकास के लिए हम कड़ी से कड़ी जोड़े ताकि हमारे एक मानसिकता का व्यक्ति जीत करके जाएगा तो इस क्षेत्र में जो यहाँ की कमियां है उसको मिटाने में अपना योगदान देगा। सांसद सीपी जोशी ने अपने जन